हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम इन इंडिया टाइजोर लेके आया है, जो फुल्ली अपग्रेडेड है। बेस मॉडल आप देख सकते हो क्या अपग्रेडेशन किया है। तो फ्रंट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ग्रिल, फ्रंट की जो ग्रिल आती है मैट फिनिश में आती है। आप इसमें ग्रिल जो देख रहे हो पूरी पियानो फिनिश में रहने वाली है। लोअर ग्रिल भी आपको मिलेगी पूरी पियानो फिनिश में, अपर ग्रिल भी आपको मिलेगी पूरी पियानो फिनिश में। आफ्टर दैट लाइट का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है हमने। मेटाफ्लिक्स ब्रांड की 260 वॉट की एलईडी हमने इसमें इंस्टॉल की है, सो लाइट का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। अपर पार्ट में जो ये लाइट आती है वो येलो आती है, उसको भी हमने डीआरएल में कन्वर्ट किया है, सो वाइट लाइट इसमें भी हमने इंस्टॉल की है। और बेज मॉडल होने के बाद आप देखोगे तो बेसिक मिरर आते हैं, ब्लैक पेंटेड मिरर रहते हैं। आप इसको भी हमने बॉडी पेंट किया है वाइट टोन में, पर्ल वाइट कलर जो आता है वो पेंट हुआ है। और मिरर टॉप मॉडल के लग गए हैं, आप देख सकते हो लॉक पे मिरर फोल्ड हो चुके हैं। और जैसे आप गाड़ी इग्निशन ऑन करोगे अनलॉक करके, तो आपके मिरर ऑटोमेटिक अनफोल्ड हो जाएंगे। साइड वेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लाइट आती है बेसिक मॉडल में, इसको हमने रिप्लेस किया है और साइड वेंट इंस्टॉल किए है जी ड्राइव ब्रांड के, जिससे इसका लुक पूरा आपका एनहांस हो रहा है। आफ्टर दैट साइड की बात करें तो डोर वाइजर हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं सिल्वर लाइन के, और लोअर गार्नेस जो टॉप वेरिएंट में आती है वो भी हमने इसमें इंस्टॉल की है। बॉडी पेंट ही हमने इसके हैंडल्स भी प्रॉपरली पेंट किए हैं, जो पर्ल वाइट कलर के जो फोर हैंडल्स आते हैं वो भी इसके पेंट हुए हैं। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। आपको इंटीरियर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। इग्निशन हम ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो मिरर ऑटोमेटिकली इसके ओपन हो चुके हैं। स्विच हमने अंदर इसकी इंस्टॉल कर दी है, जैसे आप स्विच प्रेस करोगे मिरर बंद हो जाएगी, स्विच प्रेस करोगे मिरर अनफोल्ड हो जाएंगे। और लाइट मिरर की जो सेटिंग्स है वो भी कम्प्लीटली इसकी वर्क कर रही है। आफ्टर दैट हैंडल्स जो आते हैं इनर हैंडल, वो भी हमने इसके क्रोम हैंडल रिप्लेस किए हैं, ब्लैक आते हैं इसको हमने रिप्लेस करके पूरे क्रोम किए हैं। पैनल्स जो है आप देखोगे तो ये मैट फिनिश की पैनल आती है, उसको भी हमने पियानो फिनिश में पूरी कन्वर्ट की है। फोर डोर्स की सारी पैनल्स हमने कन्वर्ट की है। लेदराइट फिनिश में हमने इसका सारा जो डोर पैनलिंग है वो भी लेदर फिनिश में दिया है। एम्बियंट लाइट हमारी इसमें इंस्टॉल हुई है प्रीमियम मॉडल की, जो 6th जनरेशन एम्बियंट लाइट आती है वो भी इसमें इंस्टॉल हुई है। ऑटोफॉर्म ब्रांड के हमारे इसमें सीट कवर्स इंस्टॉल हुए हैं, ड्यूल टोन सीट कवर्स है और प्रीमियम फिटमेंट के साथ आप देख सकते हो। 70 मैट्स भी हमारे इसमें ऑटोफॉर्म ब्रांड की सीट इंस्टॉल हुई है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो इसका लुक एनहांस कर रहा है वो इसका बॉक्सर स्टेयरिंग है। आप देख सकते हो बॉक्सर स्टेयरिंग लगने के बाद आपका जो स्टेयरिंग पकड़ने का फील है वो ही एक अल्टीमेट हो जाने वाला है। स्टीरियो हमने ब्लॉपंग ब्रांड का इसमें इंस्टॉल किया है, सेंटारोसा 985 जो मॉडल आता है वो इंस्टॉल हुआ है। और कंप्लीट 360 भी हमारा इसमें इंस्टॉल हो चुका है, सो कंप्लीट 360 के साथ ये मॉडल हमारा आपको देखने मिलने वाला है। आप देख सकते हो कैमरे भी पूरे फ्रंट रियर 360 कैमरा भी इसमें इंस्टॉल हो चुका है। और डैशबोर्ड में भी हमने डबल स्टिच करके लेदराइट फिनिश दिया है। ऊपर आप देखोगे तो टॉप वेरिएंट में जो लाइट्स आती है डबल लाइट वो भी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। आफ्टर दैट सेंटर आर्मरेस्ट अपना मारुति जेन्यून जो आता है ओरिजिनल जो आता है वही हमने इसमें इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हो आर्मरेस्ट भी इंस्टॉल हो चुका है, स्लाइडिंग के साथ आएगा और जो स्पेस आती है वो भी इसमें मिलने वाली है। और रियर एसी भी हमने इसका एक्टिवेट किया है। आफ्टर दैट गियर नॉब की बात करें तो एक बेसिक सा गियर नॉब आता है इसमें, जो हमने रिप्लेस करके टॉप वेरिएंट का जो गियर नॉब आता है वो भी हमने इसमें इंस्टॉल किया है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स का जेन्यून जो आते हैं वो भी इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं प्रॉपर, आप देख सकते हो स्टीयरिंग कंट्रोल भी कंप्लीट इसके वर्क कर रहे हैं। सो सारा अपग्रेडेशन आप देख सकते हो नई टाइजोर टोयोटा की जो आई है वो इंस्टॉल इसमें वर्क हुआ है। जो मिरर शेस आते हैं जिसमें ट्विटर का प्लेसमेंट हुआ है वो भी इसमें हमने लगाया है प्रॉपरली। और इसी के अंदर हमने स्पीकर्स अपग्रेड जो GTO ब्रांड के JBL के किए हैं, जो इसमें ट्विटर का प्लेसमेंट हुआ है प्रॉपर वे से, इसी में ट्विटर का प्लेसमेंट भी हुआ है। पियानो फिनिश में हमने इसकी फ्रेम इंस्टॉल की है, जिससे इसका लुक भी काफ़ी एनहांस हो रहा है। और भी काफ़ी अपग्रेडेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में हमने इसमें कनेक्टिंग लाइट इंस्टॉल की है, जो जेन्यून आती है वही कनेक्टिंग लाइट इंस्टॉल हो चुकी है। रिफ्लेक्टर लाइट आपको इसमें देखने मिलने वाली है, रिफ्लेक्टर लाइट हमने इसमें इंस्टॉल की है। सो सारे अपग्रेडेशन आप देखोगे तो की भी हमने इसकी अपग्रेड कर दी है। की जो आप देख रहे हो ये बेसिक सी की आती है, इसमें हमने की भी इसको की जो आती है वो हम अपग्रेड कर दी है। सो सारे अपग्रेडेशन आपको देखने मिलेंगे जो टोयोटा टाइजोर है, और फर्स्ट टाइम इन इंडिया है जो इस तरीके से टोयोटा टाइजोर अपग्रेड होके जा रही है। जो स्पेशली हिमांशु सर थैंक यू कहना चाहूँगा, जो गांधीनगर से ट्रैवल करके आए और पूरा टाइजोर का हमारे पास उन्होंने काम करवाया,
और अपग्रेड करवाया। बैक साइड की अगर बात करें तो पार्सल ट्रे, सीएनजी ट्रे, सारा कुछ इसमें हमने इंस्टॉल किया है और इसको अपग्रेड किया है। स्कफ प्लेट से लेके रियर एसी से लेके बेस मॉडल था और पूरा अपग्रेड होके जा रहा है वापस गांधीनगर। सो थैंक्स कहना चाहूँगा वंस अगेन हिमांशु सर को जो टाइजर लेके आए और बेस टू टॉप कन्वर्ट करा के फ्रॉम रूडीज कार एसेसरीज जा रहे हैं। थैंक यू।